हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक ट्यूटोरियल्स। गाइस आज की जो हमारी वीडियो है ये इस बारे में होने वाली है कि कैसे हमको जो एसएससी में हमारी वोकैबुलरी आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही अच्छा पोर्शन उसको दिया गया है, ठीक है, वहाँ से काफ़ी सारे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं और उसमें आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो सिंपल आपको सिर्फ टिक मारना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का चांस जो है बहुत कम होता है क्योंकि वो आपको जो सवाल है आपको देख के पता होता है कि आपको आता है या फिर इसको छोड़ना है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको जो है डाउट हो जाए कि यार इसमें क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है, या तो आपको मतलब मोस्टली टाइम तो आपको पता होता है कि इसका आंसर क्या होगा, बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको जो है डाउट आ जाए कि छोड़ूँ या रहने दूँ या क्या करूँ इसका क्वेश्चन का। तो गाइज ये जो गाइज एक मेजर पोर्शन है एसएससी का और जो वोकैबुलरी है गाइज इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ आपकी इंग्लिश जो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी के ऊपर सिर्फ उनमें आपकी हेल्प नहीं करेगा, उसके अलावा गाइज आपका जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन है वहाँ भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से इसको पढ़ोगे कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है गाइज, तो आपके ये एरर जो होते हैं यहाँ भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके गाइज तो देखो वोकैबुलरी से मेरा मतलब क्या है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। वोकैबुलरी से गाइज मेरा मतलब है कि जो आपके एंटोनियम्स हैं, जो आपके सिनोनियम्स हैं, जो आपके वन वर्ड हैं, जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं एंड जो आपकी फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। गाइज जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उन पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, सिंपल आपके फ्रेजल वर्ब दे दी उसका मीनिंग पूछ लिया। और उनका जो गाइज जो मेन जो यूज़ है गाइज जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा उनके क्वेश्चंस को डालता है वो गाइज डालता है जो फिलिंदा बैंक्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ता है, आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया उसके अंदर उसने फिलिंदा ब्लैंक्स दे दिए, वहाँ पे गाइज बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है आपसे फ्रेजल वर्ब के, तो वहाँ के लिए गाइज फ्रेजल वर्ब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर फ्रेजल वर्ब आपकी जो है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में आ जाए और आपको उसका मतलब नहीं पता या फिर उसमें आपको डाउट है तो गाइज उस पूरे रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की उस लाइन का मतलब भी आप कहीं और पर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं बहुत मिलते जुलते होते हैं और अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता तो आप कुछ और ही मतलब उसका निकाल सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो गाइज आज हम बात करेंगे कि वो कौन सा तरीका है, एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका जो कि आपका टाइम तो ले कम लेकिन उस कम टाइम में आपको बहुत ही अच्छा एक आउटपुट दे और आप बहुत ही अच्छे से जो है एग्ज़ाम के अंदर सवालों को सॉल्व कर पाए। तो गाइज देखो जो एसएससी के हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश की बात नहीं कर रहे या फिर बैंक एग्जाम्स की या अदर एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे, जो एसएससी के एग्जाम्स हैं सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ गाइज, ठीक है, इन एग्जाम्स में जो है वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? तो गाइज देखो इसके लिए सिंपली हमको ऐसा करना है कि एक ऐप है गाइज ग्रेड अप ऐप, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, टेस्ट बुक भी है, एसएससी अड्डा का भी ऐप है, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप अपने फ़ोन पे देख रहे होंगे या फिर इस वीडियो को आप जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप इसको देख रहे हैं या तो अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो इनका एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर अगर आप किसी लैपटॉप वगैरह पे देख रहे हैं तो इनकी जो वेबसाइट है उसको खोल लीजिए। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको गाइज मिलेंगी क्विज, आपको वोकैबुलरी की क्विज मिलेंगी, तो वो क्विज आपको सॉल्व करनी है। अब गाइज देखो एसएससी की जो वोकैबुलरी है ना, वैसे अगर आप नॉर्मल वोकैबुलरी को डिवाइड करोगे तो आप उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बट एसएससी के हिसाब से गाइज मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पहला जो है आपका वो है गाइज प्रीवियस ईयर की वोकैब जो आपकी रिपीट होती रहती है और एक है आपकी नई वोकैब जो आपकी न्यू वोकैब आती है, ठीक है। तो गाइज देखो जो न्यू वोकैब आती है वो कहाँ से आएगी? जो आपकी न्यू वोकैब आती है गाइज, जो नए शब्द आते हैं आपके, वो तो गाइज आपके जो डे टू डे यूज़ में कोई नया वर्ड आया है, ठीक है, आपकी करंट जीके का टॉपिक है या फिर गाइज जो आजकल न्यूज़पेपर्स में कुछ नया अच्छा वर्ड आ रहा है वो आ सकता है या फिर उसके अलावा देने को तो वो कहीं से भी दे सकता है, बट जो ज़्यादा चांस होते हैं आने के वो उन वर्ड्स के होते हैं जो कि आजकल काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। टीवी वगैरह में आप कुछ डिबेट देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कोई वर्ड बार बार आ रहा है, तो गाइज बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो वर्ड आपका जो है एसएससी के एग्जाम में अगर न्यू जो वर्ड आएंगे उनमें आ जाए, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और गाइज जो आपके प्रीवियस ईयर के जो वर्ड हैं अगर आप उनको देखोगे तो वो भी आपको गाइज बहुत कॉमनली यूज वर्ड हैं, आप कहीं भी उनको न्यूज़पेपर में वो आपको मिल जाएंगे आराम से लिखे हुए या फिर जो गाइज टीवी पर जो डिबेट चलती हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो गाइज यहाँ से आप इनको ले सकते हैं जो न्यू वर्ड हैं,
ठीक है। लेकिन गाइज न्यू वर्ड का जो स्कोप है वो थोड़ा कम होता है, प्रीवियस ईयर के जो वर्ड हैं वो थोड़े ज़्यादा आते हैं। जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर कोई ये सोचे कि पैटर्न हमेशा यही आएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि पैटर्न चेंज ही होगा और इस चीज़ को इग्नोर कर दे कि हर साल जो है सेम पैटर्न रिपीट होता है, तो गाइज वो बेवकूफ़ी है। सबसे पहला गाइज जो हमारी स्मार्ट वर्क है वो हमको करना है, और स्मार्ट वर्क हमारा यही कहता है कि जिस चीज़ के ज़्यादा चांस हैं जो कि हर साल हो रहा है उस चीज़ को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद जिस चीज़ के कम चांस हैं जो हर साल नहीं हो रहा है, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड है या जो थोड़ा सा ऑड है, जिसके होने के चांसेस कम हैं, चांसेज हैं पेपर जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नए वर्ड आ जाएँ, तो गाइज वो सबके लिए फिर नए वर्ड होंगे, फिर उनमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के वर्ड हैं अगर आपने वो नहीं पढ़े, तो आपने नहीं पढ़े इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी ने यही सोच लिया कि पैटर्न अब चेंज होगा, अब जो है नए जो प्रीवियस ईयर के वर्ड हैं वो नहीं आएंगे। बाकी लोग तो उनको ज़रूर पढ़ेंगे, और जब बाकी लोग उनको पढ़ेंगे और अगर वो एग्ज़ाम में आए तो गाइस वो तो मार्क्स ले आएंगे, बट आप पीछे रह जाओगे। तो पीछे किसी से नहीं रहना, ठीक है। पीछे गाइस कॉम्पिटिशन में सारा मामला ही यही है कि आप आगे जो है आगे लीड करो, तो लीड करने के लिए गाइस पहले आपको बराबर पहुंचना पड़ेगा। तो बराबर पहुंचने के लिए जो गाइस आपको प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं वो आपको जरूर सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसे भी याद कर सकते हो कि उनका आप एक प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर बहुत सी बुक्स आती हैं जहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के वर्ड मिल जाएंगे, डेली के 20-20 आप याद करते रहो, ठीक है, एक वो भी तरीका है गाइस। लेकिन वहाँ पे भूलने का चांस थोड़ा ज़्यादा है गाइस। सबसे अच्छा तरीका जो याद करने का है वो ये है कि आप अपने जो याद किया है उसको आप बार बार एक बार रिवाइज करते रहो। तो गाइस वो कैसे होगा, आपको याद ही नहीं करना है, आपको सिंपल गाइस वो ऐप डाउनलोड करने हैं, ग्रेड अप हुआ, एसएससी अड्डा हुआ, यहाँ पे गाइस आपको मिलेंगी क्विज, वन वर्ड की क्विज मिल जाएंगी, फ्रेजल वर्ब्स की क्विज मिल जाएंगी, एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, आपको गाइस वो क्विज लगानी है। उस क्विज का फायदा ये है कि पहली बात तो आपको नए वर्ड्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नए वर्ड्स भी आपको सारे के सारे उस क्विज में मिल जाएंगे और वो बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। और गाइस क्विज खेलने का मतलब एक ये भी है कि वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, आपको हर वर्ड का जो है नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ये वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। और गाइस अगर प्रीवियस ईयर के वर्ड नहीं भी आते हैं तो आपका एक बेस तैयार होगा, आपको शब्दों का मतलब पता होगा, उनके आपको एंटोनिम्स पता होंगे, उनके आपको सिनोनिम्स पता होंगे, ठीक है। तो जब नए वर्ड आएंगे गाइस तो वो नए वर्ड कहाँ से लाएगा, वो नए वर्ड ऐसा तो है नहीं कोई मतलब वर्ड ही नया ले आएगा जो कभी आपने सुना ही नहीं हो, जिन चीज़ों के मतलब आपको पता है उन्हीं के आसपास से लेके आएगा, तो एक आपका बेस तैयार होगा। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली आपको इन ऐप्स पे जाना है और आपको डेली के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितने आपके पास टाइम है आप इन क्विज को लगाएं और बार बार इस क्विज को लगाते रहें, आपको वर्ड जो है रिपीट होते रहेंगे, नए वर्ड्स आते रहेंगे, वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे, डेली आपको नई क्विज मिल जाएगी। और पहले की बहुत सारी क्विज पड़ी हुई हैं, हज़ारों क्विज पड़ी हुई हैं, ठीक है, वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स उतने लिमिटेड हैं, जो नए वर्ड्स हैं थोड़े थोड़े वो आते रहते हैं, तो आप इन क्विज को लगाते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, आपको ऐसा नहीं कि आप किताब लेके बैठे हो, याद कर रहे हो, रट रहे हो उनको, आपको याद नहीं हो रहा है, फिर आपका दिमाग ख़राब होता है कि अरे याद नहीं हो रहा, ठीक है, याद हो गया फिर आपने अगले दिन नए वर्ड याद कर लिए तो जो पहले याद किए थे वो भूल गए, तो यहाँ पे ऐसा वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो आपका रिपीटिशन है वो आपका रिपीटिशन होगा और कम टाइम में होगा और अच्छा रिपीटिशन होगा, जिससे कि आपको वर्ड्स को गाइस रिकॉल करने में आसानी रहेगी, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनको आराम से रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। सिंपली गाइस एकदम बुक को लेके मत बैठे रहिए कि आप वहाँ से याद कर रहे हैं, फिर आपने नए वर्ड याद कर लिए, फिर नए वर्ड याद कर लिए, ऐसे गाइस आपको पहली बार टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात यह कि अगर आपने पहले का रिविज़न नहीं किया तो आप सब कुछ भूल जाओगे, और रिवीजन करना गाइस बहुत बोरिंग होता है, ये आपको ही पता है। तो आपको क्या करना है गाइस, सिंपल बस उस क्विज को लगाते रहिए, जो भी आपके ऐप्स हैं, ग्रेड अप हुआ, एसएससी अड्डा हुआ, ठीक है, टेस्ट बुक वगैरह हुए, आप इन क्विज को लगाइए, और इन क्विज को लगाने से गाइस आपका रिपीटिशन भी होगा, आपको नए वर्ड्स भी साथ साथ मिलते रहेंगे, तो आपको ढेर सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, आप अपने लैपटॉप पर देखेंगे, अपने फ़ोन पर देखेंगे गाइस, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आजकल गाइस अगर आपने नोट किया हो तो पढ़ाई का थोड़ा माहौल बदल रहा है, लोग ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी यूपीएससी के रिजल्ट्स आए थे और जो टॉपर थी उनका भी यही कहना था कि उन सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करें। तो गाइस बिल्कुल जो नई चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करिए, उसका जो है सदुपयोग करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो गाइस मेरी यही सलाह है कि इन क्विज को लगाइए, आपकी वोकेबुलरी की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी, ना आपको नए वर्ड ढूंढने के लिए अखबार खोलना पड़ेगा, ना आपको टीवी पर डिबेट्स देखनी है, ना आपको अपना दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा कि कहाँ से आएंगे वर्ड्स, क्या होगा, कैसे होगा, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। गाइस लोग हैं जो आपके लिए ये काम कर रहे हैं, आपको बस उसको देखना है,
ठीक है। तो सिंपल आप जो है उसको खोलिए, क्विज पे क्लिक करिए, उस पर देखिए गाइस, क्विज पे आप आपका आंसर हो जाए गलत कोई दिक्कत नहीं, आपको नीचे वहाँ पे प्रॉपर जो सही आंसर है वो मिलेगा, उसका रीज़न है वो भी मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ वोकैबुलरी के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ओके। और गाइस हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पे मैं नई वोकैबुलरी डालता हूँ डेली, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कोई और आपकी क्वेरी है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे आइए, डायरेक्टली आप हमसे वहाँ से आप चैट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, जीके में, किस में भी, तो आप वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ पे गाइज मैं आपको फ्री जो है नोट्स देता हूँ, छोटे छोटे गाइज, जैसे कि अभी मैंने पॉलिटी के नोट्स दिए थे, ठीक है। आप वहाँ पे आइए, आपको बहुत सारे टॉपिक्स के आपको नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। उसके अलावा गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, यहाँ पे गाइज मैं प्रॉपर जो वीडियोस होते हैं, जैसे कि अभी एडवांस मैथ के वीडियोस डाल रहा हूँ तो आप वो देख सकते हैं, एडवांस कंसेप्ट जो होते हैं कई सारे कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ, और भी वीडियोस गाइज आने वाले हैं। अभी थोड़े दिन से वीडियोस बंद थे क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा था, ठीक है। अब वीडियोस, आज वीडियो आ गया है, अब कल से गाइज आपको रेगुलरली वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनली सब कुछ सेटअप हो चुका है, ओके। तो गाइज अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। और वहाँ पे एक बेल का आइकन होगा, उस बेल के आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको जैसे ही मैं कोई नया वो डालूंगा वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। और ये सब फ्री है, इसका कोई जो है चार्ज नहीं है, इवन टेलीग्राम पे भी आप आएंगे वहाँ भी सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री आपको नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं उस लिंक को क्लिक करें, वहाँ से आप हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे उसका ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आप हमसे डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं, ओके। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, बाय।